अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या। और सबसे पहले दोस्तों आज आपकी 5 सितंबर 2019 की आज दिन भर की अपडेट्स हम देखने वाले हैं। और दोस्तों आज की हम आपको पूरी कोर्ट अपडेट देंगे, तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कोर्ट अपडेट्स ना देखी हो दोस्तों उनको देखेंगे। और दोस्तों आपकी नेक्स्ट डेट क्या मिली उसको देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों आपके शिक्षा मित्रों का भारांग मुद्दा कटाप केस में हुआ कनेक्ट, देखे ऑर्डर। तो दोस्तों सभी आपके जो आज का ऑर्डर कॉपी आ चुका है तो दोस्तों वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपके सामने दो ऑर्डर शो होने वाले हैं, ठीक है। एक ये आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का जो नेक्स्ट डेट मिली है, और दोस्तों जो शिक्षा मित्रों का भारांग मुद्दा था वो केस कनेक्ट हुआ उसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क प्रकरण अपडेट। तो क्या अपडेट है दोस्तों इसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। और पहले दोस्तों आज की पूरी कोर्ट अपडेट देखेंगे आज हुआ क्या आखिर, उसके बाद और डिस्कस करते हैं जो बच्चे नए आए हैं वीडियो में। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, आज के ऑर्डर में यही लिखा है कि जैसा कि आज अभिनव त्रिवेदी ने कोर्ट से कहा कि महाधिवक्ता इस समय कोर्ट में नहीं है, तो हमको एक सप्ताह का समय दिया जाए। जिस पर जज ने बोला कि अगर अगली बार महाधिवक्ता कोर्ट में नहीं आते हैं तो अभिनव त्रिवेदी सरकार की तरफ से बहस करेंगे। और सुनवाई की दोस्तों हमें अगली तारीख मिली है 12 तारीख। तो पूरी अपडेट दोस्तों देख लेते हैं, चलिए आज की पूरी अपडेट क्या है आपके सामने उसको दिखा देते हैं। आज आपका कोर्ट नंबर 1 में लंच से पहले केस टेकअप हुआ, एजी महोदय की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने पास ओवर करते हुए आफ्टर लंच 2:15 बजे से सुनने का निर्देश दिया। आफ्टर लंच केस फिर से टेकअप हुआ, कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से एजी की उपस्थिति की तलब की, तभी सीएससी ने एजी महोदय की अनुपलब्धता, ठीक है मतलब वो उपलब्ध नहीं थे, के बारे में बताया गया। इस पर कोर्ट बड़ी सख्त हो गई, माहौल भाप कर सीएससी ने 12 सितंबर को एजी साहब की सुनिश्चितता बताई, तभी कोर्ट ने सीएससी के स्टेटमेंट के आधार पर अगली तारीख 12 सितंबर को आफ्टर लंच कंटिन्यू कहते हुए नियत कर दी। कोर्ट अब सिर्फ एजी के स्टेटमेंट को सुनना चाहते हैं, कोर्ट एजी को सुनने के बाद 40-45 के पक्षकारों का स्टेटमेंट सुनेगा। कोर्ट जल्द से जल्द केस निस्तारित करने के मूड में है। इसी बीच कुछ विरोधियों द्वारा शिक्षा मित्र के भारांग को चुनौती देने वाली याचिका SERB, ये 200 सीरियल नंबर, ठीक है, फाइल की गई थी, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट नंबर 3 में फ्रेश केस 63 नंबर पर हुई। विरोधियों ने नई चाल चलते हुए इस केस को भी 40-45 केस के साथ टैग करवा लिया। अब इस केस को भी कोर्ट नंबर 1 में 12 सितंबर को 40-45 मामले के साथ ही सुना जाएगा। जी हां दोस्तों, ये स्टेटमेंट है आपके टीम रिजवान अंसारी की तरफ से, उसको देख रहे हैं हम लोग। जैसे ही एजी महोदय का स्टेटमेंट पूर्ण होगा, सरकार और विरोधियों का 80% आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब विपक्ष का आर्गुमेंट पूरा नहीं होगा, जब तक मतलब तब तक हमारा पक्ष नहीं सुना जाएगा। चूंकि सरकार याचिका करता है इसलिए उसको पहले अपना तर्क करने का पूरा राइट्स है। समय कुछ भी कहे लेकिन जीतेंगे हम, दोस्तों ऐसा कुछ कह रहे हैं आपके शिक्षा मित्रों की टीम। तो दोस्तों आज आपने फिर से देखा, आज भी आपके एजी साहब नहीं आए, जिसकी की पूरी उम्मीद थी। आपने न्यूज में भी देखा होगा काफी चैनलों पर कि जहां पर दिखाया जा रहा था कि इस बार एजी साहब आने वाले हैं। तो बात साफ है कि न्यूज चैनल से आज से आपका भरोसा उठ जाएगा। अभी तक दोस्तों आपको लगता था कि जो न्यूज चैनल में दिखा दिया जाता है वो 100% सही होता है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि भाई आप लोग जो धरना दिए उसको खत्म कराने के लिए सब बोल देते हैं हाँ हम भेज देंगे, लेकिन सब कुछ आज आपके सामने। तो दोस्तों आज की सुनवाई के बाद बच्चों का एक सवाल आया हमारे पास कि किसका पक्ष मजबूत, 40-45 या 60-65, क्या होने वाला है और क्यों एजी साहब नहीं आ पा रहे, क्या दिक्कत क्या है। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, जब आपका कोई केस बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है तो उसमें किसी को आना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए 4 लाख बच्चों की जिंदगी दांव पर है। अब दोस्तों हम 4 लाख इसलिए कहते हैं कि यार सभी बच्चे वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर बैठे हैं, सभी बच्चों को उम्मीद है कि हमारी नौकरी लगेगी। कोई भी बच्चा कोई दूसरा वर्क कर ही नहीं रहा है, कहने का साफ मतलब है दोस्तों कोई बच्चा ना तो पढ़ाई कर रहा है ना तो कुछ कर रहा है, सबको उम्मीद है कि हमारी नौकरी आ गई तो कल लगेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी की नौकरी तो नहीं लग पाएगी, सबको पता है लगेगी सिर्फ आपको 69,000 आपकी शिक्षक भर्ती है, तो भाई आपके पास वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 69,000 है ना। ये बात तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब 69,000 ही पोस्ट है हमारे पास तो 69,000 बच्चों की नौकरी लगेगी। तो वही बात हो रही दोस्तों कि जल्द से जल्द ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो, जिससे कि एक और मेन मुद्दा था हमारा दोस्तों, जिससे कि देखिए कोई भी टीम उठाता नहीं
कि अगर दोस्तों एक बार आप लोग की रिवाइज आंसर की जारी हो जाती है ना, तो काफी हद तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप आखिर टीम में किसके हैं। कुछ बच्चों के 88 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 89 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 85 नंबर आ रहे हैं। तो आखिर रिवाइज आंसर की में नंबर कितने बढ़ेंगे और कैसे क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब तक आपको अपनी टीम में डिसाइड नहीं होगी, तो आप तो कभी 40-45 की टीम में कूद रहे होंगे, कभी 60-65 की। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कम से कम एटलीस्ट इतना पता हो कि आप किस टीम से लड़ रहे हैं और आपकी जीत कैसे, आपको नौकरी मिलेगी। तो एक सवाल और आता है दोस्तों आपके मन में, अगर आपका, देखिए दोस्तों ये आप लोग का जो दूसरा केस था, ये आपको जो शिक्षा मित्रों का था ना कि भरांग मुद्दा था, जो आपका केस कनेक्ट हो गया है, तो दोस्तों ये अपील थी। तो दोस्तों आपने इसका ऑर्डर कॉपी देख लिया, तो आज की आपको डेट दोस्तों यहाँ पर लिखी है। तो आज आपके शिक्षक दिवस भी था दोस्तों, तो आप लोगों ने शिक्षक दिवस कैसे सेलिब्रेट किया? क्योंकि आने वाले टाइम में सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों चलिए, परेशान आपको नहीं होना ज्यादा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं फिलहाल मैटर क्या, आखिर कितने नंबर पर मिलेगी नौकरी। अब जिन बच्चों के 90 से कम नंबर है, समझिए इस बात को पहले, ठीक है, 90 से कम नंबर, और दूसरा जिन बच्चों का 70 से कम गुणांक बन रहा है, ठीक है, ये तो 90 से कम नंबर और 70 से कम गुणांक दोनों बहुत ही खतरनाक है दोस्तों आपकी नौकरी को लेकर, कि आपकी नौकरी कब मिलेगी, किस पर मिलेगी। देखिए हो क्या रहा है ना, 40-45 अगर कट ऑफ एक बार लगा दी जाती है, मान लेते थोड़ी देर के लिए 40 और 45 आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाती है कल को, तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपको देखिए, आपको अपना सेफ जोन या सेफ गुणांक हमेशा पता होना चाहिए कि आपको नौकरी कब और किस कंडीशन में मिल सकती है। देखिए अब आपको जो नया रूल चल रहा है, उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग हर एक जिले में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्रत्येक जिले में फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब ये पहले होता था दोस्तों कि एक जिले का आवेदन करने का आपको शुल्क 500 रुपया लिया जाता था, जिसको हटा दिया गया। तो मतलब एक तो बात साफ है कि आप लोग अनलिमिटेड या सभी के सभी जिले आवेदन करते समय डाल देंगे। जिन बच्चों के मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर आपके 64 गुणांक बन रहा है या 62 बन रहा है, देखिए थोड़ा कम होता है, 40-45 के हिसाब से नौकरी मिलना तकरीबन नामुमकिन है जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 62 नंबर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपकी फाइनल कट ऑफ 40-45 बन जाती है, तो आपकी नौकरी लगभग लगभग आप रेस से बाहर आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 60 और 65 बनेगा तो आपकी नौकरी कंफर्म है, लेकिन जिन बच्चों का गुणांक 65 या 65+ बन रहा है, आपका ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के, तो इन बच्चों की नौकरी मिलने के दोस्तों चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही आसानी के साथ आप नौकरी पा पाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए लेकिन आपका रिवाइज आंसर की एक बार जारी हो जाए तो ये बात तो क्लियर हो पाएगी ना, जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर रुक रहे हैं, कल को दोस्तों अगर आपकी कट ऑफ 60-65 लगा दी जाती, समझ लीजिए एक बात, इस बात को अगर कल दोस्तों ऑर्डर आता है और 60-65 की जीत हो जाती है, तो एक बात ये लिख के ले लीजिए, जिन बच्चों के 89 नंबर आ रहे हैं या 96 नंबर अगर आप जनरल से आते हैं और 89 नंबर अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी से दोस्तों आते हो, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लिख कर ले लीजिए, जितने केस लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि आपको नौकरी कब और किस कंडीशन में मिल सकती है। अब जिन बच्चों के नंबर 89 आ रहे हैं, तो वो बच्चे डेफिनेटली चाहेंगे यार 40-45 की जीत होनी चाहिए, तभी उनको एक मौका मिलेगा। अगर 60-65 जीतता है तो उनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है दोस्तों कि वो बच्चे सभी जिलों को से अपना आवेदन कर पाए और कहीं पर सीट खाली, तो उन्हें नौकरी मिल सकती है। देखिए शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनको तो नौकरी जो उनको अगर 60-65 लगाया जाएगा दोस्तों, तो जितने शिक्षा मित्र पास होंगे सभी सभी नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि उनका यार जो भारांक मिल रहा है ना बहुत ही ज्यादा मिल रहा है दोस्तों, तो उनको नौकरी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। टेंशन उन बच्चों को है जिन बच्चों का एकेडमिक डाउन है। अब देखिए जिन बच्चों का एकेडमिक दोस्तों 30 अंक का बन रहा है, एक बात और समझ लीजिए, 30 अंक का एकेडमिक और 40 अंक का दोस्तों आपका सुपर टेट का नंबर, मतलब 100 नंबर आपने पाए, तो 70 अंक गुणांक दोस्तों सफिशियंट है नौकरी पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें, तो जनरल कैटेगरी में थोड़ी दोस्तों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो जनरल में बच्चे आते हैं ना, उनको शिक्षा मित्रों के साथ भी फाइट करना है। जनरल में सिर्फ दोस्तों आपके फाइट जनरल के बच्चों से नहीं होगा, उसमें ओबीसी के शिक्षा मित्र आ सकते हैं, एससी के शिक्षा मित्र आ सकते हैं और एसटी कैटेगरी के भी शिक्षा मित्र आपकी नौकरी ले सकते हैं। तो जनरल के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदर कैटेगरी के बच्चों को दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा सार था उसको समझ लेते हैं छोटी सी बात में, कि आज आपकी एजी साफ नहीं है,
जिसके हमें दोस्तों काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि आज आप एजी साहब आएंगे, महाधिवक्ता आएंगे और आपकी तरफ से अपना केस प्रस्तुत करेंगे। चलिए ठीक है, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों 12 सितंबर एक डेट तो हमें क्लियर हो चुकी है, एजी साहब आए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों उनकी जगह केस हमारे कोई दूसरे लेंगे और उनका नाम दोस्तों आपको पता चल चुका है। तो दोस्तों वो कौन होंगे जो अगर आप एजी साहब नहीं आते तो दोस्तों आपका केस अभिनव त्रिवेदी सरकार की तरफ से बहस करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक तो बात क्लियर है, 12 सितंबर जो हमें डेट मिली है उसमें एजी साहब आए या ना आए, अब आपका केस रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों 12 सितंबर एक अच्छी डेट है आपके लिए और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 12 सितंबर की जो डेट मिली है उसमें आप लोग का अच्छा खासा भला हो। और अब तो दोस्तों 12 सितंबर मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं आपका सब कुछ फाइनल है। 12 सितंबर में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी और उस दिन दोस्तों देखिए सच बात यही है कि आप लोग की नौकरी जल्द से जल्द मिलने वाली है या ज्यादा समय दोस्तों नहीं लगेगा। अब एजी साहब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नहीं आते तो अभिनव त्रिवेदी जी उनकी तरफ से केस लड़ जाएंगे, आ गए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों एजी साहब से बच्चों की इसलिए ज्यादा उम्मीदें होती है कि वो केस थोड़ा और अच्छे से रख सकते हैं और आपका पक्ष मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों जो बात आती है अंतरिम रात पर अगर आपको नौकरी दी जाए तो दोस्तों उसके लिए आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा, बिना रिजल्ट के आप अगर आप ये सोचते हैं कि अंतरिम रात आपको फायदा मिलेगा तो ये आपकी एक भूल होगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब 12 सितंबर ही आपका कुछ केस और केस की दिशा निर्देश जो भी है दोस्तों वही डिसाइड करेगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।